बेटा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां थाना क्षेत्र के दोमेनिया पुल के समीप अपराधियों ने जिम से लौट रहे 27 वर्षीय युवक विकास कुमार को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया और भीड़ देखकर अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग करते हुए चलते बने। हालांकि फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। 4-5 लड़के थे और आए और गोली चलाने लगे, पूरा बांस से पूरा मारने लगे। लेकिन कुछ भी बात नहीं था, इसी जिम में बढ़कर बढ़ा। कितने लोग संख्या अपराधी आए थे? कितने राउंड गोली चली है? आपको गोली लगी थी क्या? बेतिया पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इसी आधार पर पुलिस ने शनिचरी ओपी के सिकटा भुजा गांव से छापेमारी कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीते 5 अप्रैल को नवलपुर ओपी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने निजी फाइनेंस कर्मी से हथियार के बल पर 1,22,000 नकद और मोबाइल लूट लिया था। मामले की प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया। वहीं पूछताछ के दौरान दोनों ही अपराधियों ने लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। 20 सितंबर को नवलपुर थाना अंतर्गत एक फाइनेंस कर्मी से पैसे की स्नैचिंग हुई थी और इसके अतिरिक्त अन्य भी कई स्नैचिंग की घटनाएं घटी थी। इसी क्रम में मैनुअल और टेक्निकल दोनों इनपुट को जुटाते हुए कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई तो एक गैंग के बारे में सामने आया और उसके पीछे फिर वर्कआउट किया गया। उनके घर पर छापेमारी की गई तो जिनमें से एक व्यक्ति प्रकाश ठाकुर के घर से 1 लोडेड देसी कट्टा और 3 मोबाइल सेट बरामद।